मॉर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका और हम हैं नाइसना में. तो अगर आप हमारे पुराने वीडियोस देख रहे हैं, हमारी ट्रैवल सीरीज देख रहे हैं, तो आपको पता ही होगा. और आज हमको नाइसना को बोलना होगा बाय, बिकॉज जा रहे हैं एक और न्यू डेस्टिनेशन पे और इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग. कल हम लोगों ने लंच किया और फिर गुड बाय बोला और उसके बाद ना आके सो गए थे, बहुत थक गए थे, सोए नहीं थे, रेस्ट कर रहे थे और फिर यहीं पर डिनर किया. डिनर में क्या खाया अभी देखिए. लुक एट दिस, ये है राइस और छोले हैं, छोले पालक का सब्जी है और सौरभ ने ऑर्डर किया है थाई डिश है, ये नूडल्स हैं और ऊपर सम वेजिटेबल्स. दिख तो सुंदर है. यस, लेट्स ईट, बन अपेटिट. Now it's time to check out this beautiful resort. और बहुत ही spacious room था और हमें बहुत अच्छा लगा. वैसे भी room में अगर ज़्यादा चीज़ें ना हो ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, खाली खाली थी. और सौरभ को भी, क्योंकि तब सौरभ अपना सामान फैला सकता है. बट कल का डिनर का बिल बता देते, वो आया 220 रैंड्स का और इस प्रॉपर्टी का जो प्राइस था वन नाइट का, वो मैंने लिख दिया है. और हमने की थी ये वाली प्रॉपर्टी booking.com से, तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाएंगे और लिंक आपको वहीं मिल जाएगा. अब करते हैं ये सारे बैग्स गाड़ी के अंदर और शुरू करते हैं रोड जर्नी. पहले हम जाएंगे एक नेशनल पार्क और देखते हैं वो नेशनल पार्क, सुना है बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो देखते हैं कितना ब्यूटीफुल. और उसके बाद जाएंगे एक और नेशनल पार्क जहाँ पर देखेंगे एलिफेंट्स. तो लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो. So there we are just entering tsitsikamma National Park or अभी एक कार दिख रही है, बहुत लंबी लाइन है. एटलीस्ट आई थिंक 10 to 20 मिनट्स लगेगा, एक एक करके सब जाएंगे अंदर. तो इसको प्री बुक कर सकते हैं, अभी मालूम पड़ा, इसको प्री बुक कर सकते हैं. तो आप जो लेफ्ट लेना है, देन यू कैन यूज, अगर आपके पास प्री बुक टिकट है तो. बट इतनी लंबी लाइन नहीं, आई थिंक 15 मिनट में पहुंच जाएंगे. 15 मिनट लगेंगे होपफुली. देखते हैं कितना टिकट है इसका. फीस है यहाँ पर जो लोकल लोग है साउथ अफ्रीकन नेशनल के लिए 70 रैंड और हमारे लिए 280. और बहुत डबल से ज्यादा है. जैसा ताजमहल में होता है. लोकल के लिए अलग फीस. और फोर टाइम्स काफी गर्मी भी हो गई है. और एक इधर है जो चेक कर रहे हैं ना गाड़ी, जब गाड़ियां एग्जिट होती तो भी चेकिंग हो रही है. चेकिंग हो रही है, पता नहीं कुछ होगा जो इसके अंदर से लेके जा सकते हैं. लोग ले जाते होंगे. आई थिंक 10 मिनट और लगेंगे क्रॉस करने में, क्योंकि देखो आगे लोग तो खड़े ही हो गए हैं. अगर आप अंदर रुक रहे हैं कहीं पर तो उसके लिए अलग लाइन है. कार्ड भी थे. ऑलमोस्ट 30 मिनट हो गए खड़े खड़े. We have reached tsitsikamma National Park, लिख दिया है और पीछे की ड्रामेटिक वेव्स देख रहे हैं आप. ड्रामेटिक वेव्स, साउथ अफ्रीका के जो स्ट्रॉन्ग वेव्स हैं, इतने अच्छे वेव्स बनते हैं, देखते हैं ना अपन लोग सर्फिंग करते हैं. वैसे यहाँ पर रॉक से टकरा रहे हैं, इतना पानी आ रहा है उसका कि यहाँ तक पानी की छींटे आ चुके हैं. हम बहुत दूर है उससे बट तो भी छींटे आ रहे हैं. दैट्स हाउ ड्रामेटिक दिस वेव्स आर. अभी हमें वॉक करेंगे बट इससे पहले ना थोड़ी देर यहाँ बैठ के इस ड्रामेटिक वेव्स को इन्जॉय करते हैं. तो आप भी आराम से ये पहले ड्रामेटिक वेव्स को आप भी देखिए हमारे साथ. लेट्स एन्जॉय इट.
यहाँ से नीचे जाने। मेरे को भी ये लगा मेगा कि ये अपना एंड आ गया और यहाँ से अपने को करनी पड़ेगा अब कायाकिंग। और ये पड़ी कायाकिंग बोल। बट नहीं अभी बहुत लंबा वॉक कर रहा था क्योंकि हमारा ये कायाकिंग यहाँ से होती है वैसे। हाँ अगर आप रखिए बोट सारी एडवेंचर कायाकिंग का तो आप यहाँ आ सकते हैं और इनसे बोट ले सकते हैं देन यू कैन डू कायाकिंग हियर। बट हम करेंगे नॉट कायाकिंग हम करेंगे वॉकिंग। That reminds me, we should switch on our Apple Watch. Yes, hiking का डालेंगे. Let's do that. Hiking. आप लोग भी ऐसे हैं क्या जो है ना थोड़ा वॉक करते हैं तो पहले वॉच को ऑन कर लेते हैं? मैं तो कर लेती हूँ, सौरभ नहीं करता इतना, बट मैं तो कर लेती हूँ कि थोड़ी तो रिकॉर्ड हो जाए. रिकॉर्ड करके ना वो मुझे मोटिवेट भी करता है अगर वो सर्कल्स कम्प्लीट होते हैं तो मैं हूँ वो KPI अचीव करने वाले जो लोग होते ना जिसको KPIs चाहिए रहते हैं. तो आते थे ये छोटा सा यहाँ से लगून दिख रहा, मुझे ये भी इतना सुंदर लगा कि मैं यहीं आके खड़ी हो गई. छोटी सी बीच है इधर, लगून तो उस तरफ है. जो कयाक का बोट लेना है ना वो इधर से फिर उधर को जाने का है. जाएंगे ना तो वो लगून भी दिखेगा और वो जहाँ जा रहे हैं विच इज सस्पेंशन ब्रिज वो तो देखेंगे. चलो काफ़ी हाइक करनी पड़ेगी, लेट्स गो. तो यहाँ पे लिखा है देखिए ये जो सिंबल है ना ये नेशनल पार्क का है, हर जगह दिखेगा ये ऐसा. और ये नेशनल पार्क का सिंबल है और हम हैं सिसिकामा नेशनल पार्क में. और नो ड्रोन्स, इतना बड़ा बड़ा लिखा है नो ड्रोन्स. मेरा ड्रोन लाना साउथ अफ्रीका में कोई काम नहीं आ रहा है. ज़रूरत भी नहीं है, सब ऑलरेडी ब्यूटीफुल ही है. ये इधर से कहाँ जा रहे हैं लोग? यस वेयर आर दे गोइंग? सस्पेंशन ब्रिज तो मगर यहीं पर है. हाँ सो लेट्स गो दिस साइड. वाटरफॉल आ रहा है बट ना वाटरफॉल हमने इतने अच्छे देख लिए ना, आइसलैंड का वाटरफॉल एंड देन वो क्रोएशिया के पृथ्वी का नेशनल पार्क का वाटरफॉल एंड देन दे हमें धार लग रही है धार. हाँ इसको वाटरफॉल तो नहीं बोलना चाहिए. कल की हाइक से ये डिफरेंस है और इट्स अ पॉजिटिव डिफरेंस मेगा कि छांव है और ये पूरी यहाँ पे वो बना है लकड़ी का स्टेयर्स बना है, पूरा पाथवे बना हुआ है. सो दैट्स अ बिग ह्यूज डिफरेंस. और मैंने ड्रेस नहीं पहना है, दैट्स ऑल्सो मेक इट अ ह्यूज डिफरेंस. और छांव तो है ही. बट मुझे ये लकड़ी का जो है ना ये याद दिला रहा है, बताओ किस चीज़ का? किसका? एनी गैसेस? लेट मी थिंक. क्रोएशिया? यस. प्रिटोरिया नेशनल पार्क का? यस. सस्पेंशन ब्रिज. सो यहाँ पे दो रास्ते हैं, आगे है 900 मीटर और मुई बाई 50 मीटर जा रहे हैं, बाद में देखेंगे. लेट्स गो. 900 मीटर चल रहा है. इतनी अच्छी ना बर्ड्स की साउंड आ रही है. एक बार स्पेन में याद है सर अपन गए थे कैनरी आइलैंड में? कैनरी हाँ. और वहाँ पे वो फाइव सेंसेस वाला, सिक्स सेंसेस शायद था जो फॉरेस्ट था. और वैसे वाइब्स आ रहे हैं काफी. हाँ और इतना अच्छा लग रहा है ना वॉक. बहुत डेंस है, बहुत ही डेंस है सारी जगह है ना, पूरे पेड़ आए जा रहे हैं. और बट कितना ब्यूटीफुल है. आई थिंक आई शुड क्लिक अ पिक्चर हियर, कैन यू? यस लेट्स डू दैट. मैं वो देख रही थी कायाकिंग वाले ना लोग और मैं सोच रही थी कि यार हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें स्विमिंग ही नहीं आती है. वी आर मॉडर्न पर्सन. नहीं हमें स्विमिंग नहीं आती और हमने ट्राई करी स्विमिंग सीखना, बचपन में सीखी नहीं, फिर नेदरलैंड्स में आकर स्विमिंग सीखना ट्राई करी बट हो नहीं पाई. दो चीज़ें ना हो नहीं पाई, एक डच लैंग्वेज का चैलेंज हमेशा रहता है और स्विमिंग तो ट्राई नहीं करते. स्विमिंग हाँ डच लैंग्वेज तो चलो तो भी बेटर है बट स्विमिंग तो बिल्कुल नहीं. नहीं तो ऐसा कैकिंग करना कितना अच्छा एडवेंचर. क्या हाँ, आप हैं वो लोग जो कैकिंग कर सकते हैं? कैकिंग रिवर में करना लेक में करना एक बात है, मगर जो ये लोग अभी बीच में कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग वेव्स में कर रहे हैं वो और प्लस ना मुझे करना है कैकिंग. ऐसा नहीं कि मुझे कैकिंग नहीं करना है, मुझे करना है कैकिंग. इट्स जस्ट दैट आई डोंट नो स्विमिंग एंड वो सब कुछ खत्म कर देती है. सस्पेंशन ब्रिज ना ये हिल रहा है सौरभ है ना? यस जर्मनी की तरह ही हिल रहा है. और ज़्यादा भीड़ नहीं है अभी. हाँ 25 लोग ही अलाउड है उस पर एक बार में. ओह
तो अभी तो हम दोनों ही हैं, लिमिट कर रखा है ना, दैट इज नाइस. ये है मेन सस्पेंशन ब्रिज और यहाँ सब लिखा हुआ है इसका ब्रेथ कितना है और हाइट कितनी है. यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, ये सस्पेंशन ब्रिज एक रिवर के ऊपर बना है जिसका नाम है स्टॉर्म रिवर. स्टॉर्म रिवर मैंने लिख भी दिया है और उसका माउथ है, तो मतलब ये मिल रही है जाके इस से सी ओशन, ओशन से. तो और उसके ऊपर है ये सस्पेंशन ब्रिज और यहाँ लगून है, सो वो भी देखेंगे. उसके लिए थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, हो सकता है सस्पेंशन ब्रिज से भी दिखे, तो वो देखेंगे. अब टाइम है सस्पेंशन ब्रिज पे वॉक करने का और इस पर लिखा हुआ है कि इस पर जंप नहीं करना है, कुछ नहीं करना है और 25 लोग ही अलाउड है, तो लेट्स गो. के यहाँ देखेंगे ना, तो ये रिवर है. सो ये रिवर आ रही है यहाँ पे, स्टॉर्म रिवर, एंड इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल. पूरे माउंटेन्स के बीच में से, और पूरे माउंटेन्स के रेंजेस ऐसे ऐसे हो रहे हैं ऐसे, एंड उसके बीच में से आ रही है. ऑफकोर्स कयाकिंग करते ना तो इसके अंदर ऐसे ऐसे करके जा सकते हैं, दैट वुड हैव बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. तो अगर आप स्विमर हैं और आप कयाकिंग कर सकते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे करिए, हाईली रिकमेंडेड, क्योंकि इसके अंदर जाके आप कर सकते हैं. ऑफकोर्स वी कांट टेक दैट रिस्क क्योंकि वेव्स बहुत हाई हैं हमारे लिए और स्विमिंग आती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आती है, लाइक बिल्कुल नहीं. बट इट वुड हैव बीन सो मच फन. हाँ, कोई अगर ऐसा हो जाए ना कि जिसको जो एक चलाए और मैं उसके पीछे बैठ जाऊँ और सौरभ भी दूसरे बोट पर आ जाए जिस पर जिसको आती हो, सो देन इट्स देट एटलीस्ट वो हमें सेव कर लेगा. अभी तो हम दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं बचा सकेंगे, तो इसलिए हम अभी से सस्पेंशन ब्रिज पे खड़े होके ही इस व्यू को इन्जॉय करते हैं. तो इस तरफ तो ये है और इस तरफ द माइटी ओशन की माइटी वेव्स आ रही हैं. इस सस्पेंशन ब्रिज को एडमायर करने के बाद टाइम है वापस हाइक करने का एंड गो बैक टू द पार्किंग प्लेस. वेरी रियली ब्यूटीफुल. आज अपन ने ये साल जर्मनी में किया पहले सस्पेंशन ब्रिज, अभी वापस ये वाला कर रहे हैं. ये देखिए, ये छोटा है, छोटा है, तो बहुत बड़ा था, बट ये जो उसका पूरा ओशन है और जो लगभग ऊपर है, व्यू ज्यादा ये अच्छा है. जर्मनी का व्यू वाज ओके, जर्मनी का वो सस्पेंशन ब्रिज वाज टू लॉन्ग, वाज अ यूनिक थिंग. हियर द व्यूज फ्रॉम द सस्पेंशन ब्रिज इज अ यूनिक थिंग. आई एम रियली मिसिंग कि मैं ड्रोन फ्लाई नहीं कर पा रहा हूँ. एक और रीजन है, ऑफकोर्स ड्रोन यहाँ फ्लाई करना अलाउड नहीं है, तो वो तो मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, मगर और भी जगह मैंने जहाँ अलाउ है वहाँ भी नहीं किया, क्योंकि मेरे पास नया ड्रोन है. जो मेरा ड्रोन था उसमें एक प्रॉब्लम आ गई थी ग्रीस और जर्मनी में और हर जगह उससे पहले जहाँ जहाँ मैंने ड्रोन फ्लाई किया, उसका गिम्बल माल फंक्शन था, वो स्ट्रेंज बिहेव कर रहा था, तो फ्लाई करते करते वो व्यू को पूरा डिस्टॉर्ट कर रहा था. सो डिजाइन है इस बार मैंने, क्योंकि लास्ट ईयर सुना मैंने सीखा था इटली में ड्रोन खोने के बाद, हाँ, इंश्योरेंस ले रखा, इस बार मैंने उनका डीजीआई का रिफ्रेश प्रोग्राम लिया था. सो तो नया ड्रोन आ गया है, आने से जस्ट एक दिन पहले नया ड्रोन आया, उसको मैंने बैग से निकाला और वैसा का वैसा रख लिया. तो थोड़ा सा उसका भी था कि उसको मैंने ट्रस्ट नहीं किया अभी तक चला के, और एक्चुअली सही बताऊँ तो मन तो यह है कि मेरे को वो ड्रोन अब रिप्लेस करना है. आई वॉन्ट टू बाई अ न्यू डीजीआई मैविक क्लासिक. ऑफकोर्स जो मैविक उसका जो फ्लैगशिप 3 है वो तो बहुत एक्सपेंसिव है, 3-4 हज़ार यूरो का, दैट्स इम्पॉसिबल टू बाय. मगर उसका जो मैविक क्लासिक है वो थोड़ा बड़ा ड्रोन है, मैविक एयर 2 है मेरे पास अभी, उससे बड़ा ड्रोन है और पावरफुल भी है, ज़्यादा सेंसर्स भी हैं और फ्लाइट टाइम इज़ 45 मिनट्स. सो मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं नया का नया रखता हूँ, जाके मार्केट में बेचता हूँ और होपफुली अच्छी प्राइस मिल जाए. गुड आइडिया कि मार्केट में बेच रहे हैं, बट ये गुड आइडिया नहीं कि फिर से नया ड्रोन चाहिए. हाँ, नया तो खरीदना पड़ेगा एंड देन बाय द न्यू क्लासिक में, देखते हैं देखते हैं, यू गाइस विल नो एनीवेज. ये जो इतने स्ट्रॉन्ग वेव्स आ रहे हैं उसको दे देख के मन नहीं भर रहा है, बट नीचे आ गए हम लोग. और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट था सी फेसिंग, तो सी फूड वहाँ पर था, वेज के ज़्यादा ऑप्शन थे नहीं,
सिर्फ बर्गर था और सैलेड था. व्यू ऑफ कोर्स अमेजिंग था क्योंकि आपके बगल में वेव्स आ रहे हैं. लेट्स गो टू दिस शॉप. आई डोंट नो व्हाट इज देयर. इज इट ओपन? लेट्स गो. प्लान तो था मेरा का सोवेनियर लेने का. कुछ अच्छा मजा नहीं मगर मुझे मिल गई मेरी कैडबरी की डेरी मिल्क. फाइव स्टार डेरी मिल्क तो रखी है, खत्म भी नहीं की अभी तक. फाइव स्टार वो ले ली मैंने. और अब हम इस अमेजिंग वेव्स को बोलते हैं बाय. तsitsikamma नेशनल पार्क को भी शायद बोलना पड़ेगा बाय. इसलिए उसको बाय बोल देंगे. बट हम नेक्स्ट कहाँ जा रहे हैं देखते रहिए. वैसे यहाँ पर बहुत सारे हाइकिंग करने को. लोग तो बोलते हैं कि सिक्स डेज का पूरा उनका हाइकिंग का प्लान होता है. यूरोपियन लोग तो काफ़ी हाइक करते हैं, बाकी लोग भी बहुत सारे लोग हाइक करते हैं. तो अगर आप हाइक के शौकीन हैं तो आप 6-7 डेज यहाँ आराम से निकाल सकते हैं और पूरा पार्क आप हाइक कर सकते हैं, जो कि हम लोग नहीं करने वाले हैं. ऑफ कोर्स काफ़ी गर्मी है. 2:30 हो गया है. जो आखिरी होता है पार्किंग तक जाने का वो बहुत अच्छा लगता है मेरे को फ्रॉम द स्पॉट. भैया एक मिलेगी ना मेरे को? नहीं. हाफ नहीं. सो दो तुम्हें ऑलरेडी है ना. दो फाइव स्टार आपकी और सारा ब्राउनी खा रहा है, ये चॉकलेट्स खा रहा है. नहीं दूंगी. दो फाइव स्टार आपकी और दो डेरी मिल्क मेरी. नहीं. डील डील. मम्मी ओपन द पोर्ट. यस आई एम कमिंग. आउट असली पासे परमिट. All good? Permit? Permit! Yeah, I have permit. Permit? Yes, that one! It's permit! You must keep him name. When he comes at your house, you look at the permit. You look at his name. You say, Pete. My wife, I will come again to meet you, Pete. Nay, good. Thank you. May bless you. Thank you very much. Thank you. Bye. He's a very funny guy. Yeah, very funny. Jab aaye to tabhi was so fun. चेक करते हैं सब लोगों का परमिट. हाँ. और कि ऑफ कोर्स क्योंकि ये फॉरेस्ट पार्क है, नेशनल पार्क है, तो आप वहां से उस लेके नहीं जा रहे हो. सो बट दिस गाय इज एंटरटेनिंग. हाउ टू डू योर जॉब विद फुल एंथो एंड फन. यस एंड फन. आए हैं हम लोग बंजी जंपिंग का प्लेस जो कि बहुत ही हाइट पे है. अफ्रीका का तो सबसे हाईएस्ट बंजी जंपिंग है और शायद इंडिया में बहुत फेमस है ये प्लेस क्योंकि इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है अलग से. क्यों लगा इंडिया का फ्लैग पता नहीं. इंडिया इसलिए लगा होगा कि इंडिया से बहुत लोग आते हैं बंजी जंपिंग करने के लिए. बट क्या हम बंजी जंपिंग करेंगे? लेट्स सी. लेट्स गो.